अब आगे की पंक्तियों में लिखा है, कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड्स टुगेदर एज मेन एंड वेमेन, विंड और वेदर। कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड्स टुगेदर का अर्थ है कंजंक्शंस शब्दों को जोड़ते हैं, एस जैसे मैन एंड वेमेन, विंड और वेदर। तो चलिए हम कंजंक्शंस के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। कंजंक्शंस को हिंदी में संयोजक कहा जाता है और उसका अर्थ होता है शब्द या वाक्य जोड़ने वाला शब्द। तो यहाँ कंजंक्शंस के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे सिंस, येट, बट, बिकॉज, फॉर, हावेवर, एंड। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो यहाँ एंड शब्द जो है वो राम और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसीलिए वह एक संयोजक है। दूसरा उदाहरण, एलिफेंट इज बिग बट डायनासोर इज इवन बिगर। तो यहाँ एक वाक्य है एलिफेंट इज बिग और दूसरा वाक्य है डायनासोर इज इवन बिगर, और ये बट शब्द जो है वो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो बट यहाँ पे हुआ एक कंजंक्शन। तो एलिफेंट इज बिग यानी एलिफेंट बड़ा है, डायनासोर इज इवन बिगर यानी डायनासोर और भी बड़ा है। ये दो अलग अलग वाक्य है और इनको जोड़ने वाला शब्द जो बट है वो एक कंजंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रपोजिशन स्टैंड्स बिफोर अ नाउन एस इन और थ्रू अ डोर। द प्रपोजिशन स्टैंड्स बिफोर अ नाउन, इसका अर्थ है प्रपोजिशन नाउन के पहले आता है, एस इन और थ्रू अ डोर। यहाँ इन और थ्रू प्रपोजिशन के उदाहरण है, डोर यानी दरवाजा, तो इन अ डोर यानी दरवाजे के अंदर और थ्रू अ डोर यानी दरवाजे से। चलिए अब प्रपोजिशन के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। प्रपोजिशन को हिंदी में विभक्ति कहा जाता है और उसकी परिभाषा है वे शब्द या शब्दों का समूह जो आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है और वह प्रपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे एक बॉल और एक बक्से को अलग-अलग स्थितियों में रखा गया है। अगर मैं इन स्थितियों का वर्णन करते हुए हिंदी में कुछ वाक्य लिखूं, तो पहली स्थिति के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के अंदर है, दूसरी के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के ऊपर है, तीसरी के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के नीचे है, वगैरह वगैरह। तो ये सब शब्द अंदर, ऊपर, नीचे, ये बॉल और बक्से के बीच एक संबंध दर्शाते हैं, और इन्हीं शब्दों को जब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो उन्हें प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो चलिए इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वह देखते हैं। तो पहली चार स्थितियों का वर्णन करने वाले अंग्रेजी वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बॉल इज इन द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के अंदर है, जो पहली स्थिति में हो रहा है। वैसे ही बॉल इज ऑन द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के ऊपर है, बॉल इज अंडर द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के नीचे है, और बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के पीछे है। तो वैसे ही प्रपोजिशंस का यूज करके आप हर स्थिति के लिए एक वाक्य बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉक्स एक नाउन है और हर प्रपोजिशन नाउन के पहले आ रहा है, और वो बॉक्स का संबंध किसी और शब्द के साथ, जो इस केस में बॉल है, उसके साथ दिखा रहा है। तो अब प्रपोजिशंस के बारे में तो हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द इंटरजेक्शन शोज सरप्राइज एज ओ हाउ प्रिटी, ओ हाउ वाइस। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव व्यक्त करता है, जैसे ओ हाउ प्रिटी, ओ हाउ वाइस। यहाँ ओ एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव को व्यक्त करता है और हाउ प्रिटी यानी कितना सुंदर है, और वैसे ही हाउ वाइस यानी कितना बुद्धिशाली है। तो चलिए इंटरजेक्शंस के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं।
तो इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है और इसका अर्थ है भावना व्यक्त करने वाला शब्द। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। हे आउच ओ डैम हुर्रे वाव, ये सब शब्द हमारे भाव व्यक्त करते हैं और ये सब इंटरजेक्शन है। तो वाक्य में इसके उदाहरण देखते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी हुर्रे हम मैच जीत गए। आउच द मिल्क इज हॉट, यानी आउच दूध गर्म है, यानी सोचिए कि आपने गर्म दूध के पतीले को हाथ लगाया तो आप क्या बोलेंगे, आउच दूध गर्म है। या वाओ दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, यानी वाओ यह पेंटिंग काफी सुंदर है। तो अब आपको इंटरजेक्शन की भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता की आखिरी पंक्तियों में लिखा है, द होल आर कॉल्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टीच। द होल आर कॉल्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है इन सबको मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, विच रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टीच, यानी जो हमें पढ़ना लिखना और बोलना सिखाते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना और स्पीकिंग यानी बोलना। तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। अब मैं आपके सामने एक वाक्य प्रस्तुत करूंगा और हम लोग साथ मिलके उस वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढ निकालेंगे। तो इस वाक्य में लिखा है, ये सचिन बैटेड वेरी नाइसली एंड ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड टू हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कप। इसका अर्थ है, ये सचिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उन्होंने मैदान पे अद्भुत प्रदर्शन दिया जिससे इंडिया को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने में मदद मिली। तो चलिए अब हम इस वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहले शब्द से शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे भाव प्रकट होते हैं। तो आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि यह एक विस्मयादि बोधक शब्द है या इंटरजेक्शन है। तो ये हुआ एक इंटरजेक्शन। अब अगले शब्द पे जाते हैं, सचिन। सचिन किसी व्यक्ति का नाम है और याद कीजिए कि किसी भी वस्तु व्यक्ति या जगह के नाम को नाउन कहा जाता है, तो इसलिए सचिन एक नाउन हुआ। अब आते हैं अगले शब्द पे जो है बैटेड। बैटेड यानी बल्लेबाजी करी। तो यह शब्द से क्रिया का बोध होता है, तो इसलिए यह हुई एक क्रिया यानी इंग्लिश में वर्ब। अब देखते हैं वेरी। वेरी यानी बहुत। तो यह शब्द किसका वर्णन कर रहा है? यह शब्द नाइसली का वर्णन कर रहा है। नाइसली का अर्थ है अच्छे से, तो वेरी नाइसली यानी बहुत अच्छे से। अब नाइसली किसका वर्णन कर रहा है? बहुत अच्छे से क्या हुआ? बहुत अच्छे से सचिन ने बल्लेबाजी की। तो नाइसली शब्द बैटेड का वर्णन कर रहा है या बल्लेबाजी करने का वर्णन कर रहा है। बल्लेबाजी कैसे हुई? बहुत अच्छे से हुई। तो बैटेड एक क्रिया है और नाइसली उसका वर्णन कर रहा है, तो वह हुआ एक क्रिया विशेषण। वैसे ही वेरी नाइसली का वर्णन कर रहा है या वेरी किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन कर रहा है, तो वह भी हुआ एक क्रिया विशेषण। याद कीजिए कि एक क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन करता है, तो वेरी और नाइसली दोनों हुए क्रिया विशेषण। अब चलते हैं अगले शब्द पे जो है एंड। याद कीजिए कि कंजंक्शन के उदाहरणों में मैंने कहा था कि एंड भी एक कंजंक्शन है, लेकिन अगर आपको वह याद नहीं होता फिर भी आप इस वाक्य को देख के पता लगा सकते थे कि एंड भी एक कंजंक्शन है। कैसे? एंड के पहले वाले शब्द देखिए, ये सचिन बैटेड वेरी नाइसली, यानी ये सचिन ने बहुत अच्छे से बल्लेबाजी की। यह अपने आप में एक वाक्य है। वैसे ही एंड के बाद वाले शब्द देखिए, ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड टू हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कप।
यानी उसने मैदान पे एक अद्भुत प्रदर्शन दिया जिसकी वजह से इंडिया को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने में मदद मिली। यह भी अपने आप में एक वाक्य है। तो एंड शब्द यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए एंड हुआ एक कंजंक्शन। तो एंड हुआ एक कंजंक्शन। चलिए अब अगले शब्द को देखते हैं, जो है ही। जब मैं ही बोलता हूं तब मैं सचिन की बात कर रहा हूं, या ही शब्द एक ऐसा शब्द है जो सचिन की जगह ले रहा है। तो ही शब्द एक ऐसा शब्द हुआ जो एक नाउन की जगह ले रहा है, इसलिए वह हुआ एक प्रोनाउन। याद कीजिए कि प्रोनाउन के उदाहरणों में भी मैंने कहा था कि ही एक प्रोनाउन है। तो अब ही हुआ एक प्रोनाउन। अब अगला शब्द है गेव, यानी दिया। तो यह भी एक क्रिया है। उसके बाद वाला शब्द है अ, जो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वाला शब्द है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी लाजवाब या अद्भुत। तो ब्रिलियंट किसका वर्णन कर रहा है, क्या चीज लाजवाब है? ब्रिलियंट के बाद वाला शब्द है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यानी अद्भुत प्रदर्शन या लाजवाब प्रदर्शन। और प्रदर्शन एक नाउन है या संज्ञा है। तो ब्रिलियंट एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन का वर्णन कर रहा है। तो वह हो गया एक विशेषण। तो ब्रिलियंट हुआ एक एडजेक्टिव। उसके बाद वाला शब्द है परफॉर्मेंस, जो हमने पहले ही कह दिया है कि एक नाउन होता है। उसके बाद वाला शब्द है ऑन, जो अगर आपको याद होगा तो हमने प्रेपोजिशंस के उदाहरणों में देखा था। तो ऑन एक प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप कैसे पता लगाते कि ऑन एक प्रेपोजिशन है? आप देख सकते हैं कि ऑन के बाद है द फील्ड यानी मैदान। तो ऑन के बाद एक नाउन है, मैदान एक नाउन है, और ऑन मैदान का संबंध किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है। कौन से शब्द के साथ? परफॉर्मेंस के साथ, प्रदर्शन के साथ। परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड यानी मैदान पे प्रदर्शन। तो ऑन एक नाउन के पहले आ रहा है और वह उस नाउन का संबंध किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है, तो इसीलिए वह हुआ एक प्रेपोजिशन। अब ऑन के बाद वाला शब्द है द, जो एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर है फील्ड यानी मैदान, तो वह एक नाउन हुआ। फिर टू हेल्प, यह एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर इंडिया यानी भारत, तो यह एक नाउन है, तो क्योंकि यह किसी देश का नाम है। फिर प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना, तो यह एक क्रिया है, तो यह एक वर्ब हुआ। फिर इन, वापस एक प्रेपोजिशन। याद कीजिए हमने प्रेपोजिशंस के उदाहरणों में पढ़ा था इसके बारे में। फिर ध, वापस एक आर्टिकल जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड, वापस एक नाउन, वर्ल्ड यानी दुनिया। और कप, वापस एक नाउन। तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है। चलिए अब कुछ विविध बातें करते हैं। तो लेक्चर वन की विविध बातें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी को रास्ता हम अंग्रेजी में कैसे बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि राह चलते कोई आके हमें पूछ लेता है, भैया इस जगह का रास्ता बता दो। तो अगर वो हिंदी में पूछता है तो ठीक है, हम हिंदी में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर इसने आपको इंग्लिश में पूछा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि सीधे जाओ तो आप कहेंगे गो स्ट्रेट। फिर आपको बोलना है कि बाएं मुड़िए तो आप बोलेंगे टर्न लेफ्ट या टेक अ लेफ्ट टर्न। फिर अगर आपको बोलना है कि दाएं मुड़िए तो आप बोलेंगे टर्न राइट या टेक अ राइट टर्न। और अगर आपको किसी को बोलना है कि यू टर्न ले लो तो आप बोलेंगे टेक अ यू टर्न। तो अब आप किसी को रास्ता बता सकते हैं। तो आपको किसी को बोलना है पहले सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़िए और फिर यू टर्न लीजिए, तो आप बोलेंगे गो स्ट्रेट
देन टर्न राइट, देन टेक अ यू टर्न। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।